एक्सेलेंसी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं 14 दिसंबर को आपके कार्यकाल के 5वें वर्ष में प्रवेश के लिए बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं इस साल उज्बेकिस्तान की यात्रा के लिए उत्सुक था। कोविड-19 महामारी की वजह से मेरी यात्रा तो नहीं हो पाई, लेकिन मुझे खुशी है कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर के इस काल में हम आज वर्चुअल माध्यम से मिल रहे हैं। एक्सेलेंसी, भारत और उज्बेकिस्तान दो समृद्ध सभ्यताएं हैं। हमारे प्राचीन समय से ही निरंतर आपसी संपर्क रहे हैं। हमारे क्षेत्र की चुनौतियां और अवसरों के बारे में हमारी समझ और अप्रोच में बहुत समानता है, और इसलिए हमारे संबंध हमेशा से बहुत मजबूत रहे हैं। 2018 और 2019 में आपकी भारत यात्राओं के दौरान हमें कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला, जिससे हमारे संबंधों में एक नई गति देखने को मिली। एक्सेलेंसी, उग्रवाद, कट्टरवाद तथा अलगाववाद के बारे में हमारी एक जैसी चिंताएं हैं। हम दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से एक साथ खड़े हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी हमारा एक जैसा नजरिया है। हम सहमत हैं कि अफगानिस्तान में शांति की बहाली के लिए एक ऐसी प्रक्रिया आवश्यक है जो स्वयं अफगानिस्तान की अगुवाई, स्वामित्व और नियंत्रण में हो। पिछले दो दशकों की उपलब्धियों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। भारत और उज्बेकिस्तान ने मिलकर इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की पहल ली थी। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष समरकंद से हुई थी। एक्सेलेंसी, पिछले कुछ वर्षों में हमारी आर्थिक साझेदारी भी मजबूत हुई है। हम उज्बेकिस्तान के साथ अपनी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को भी और घनिष्ठ बनाना चाहते हैं। मुझे यह जानकर खुशी है कि भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट्स पर विचार किया जा रहा है। आपकी विकास प्राथमिकताओं के अनुसार हम भारत की एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस साझा करने के लिए तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भारत में काफी काबिलियत है जो उज्बेकिस्तान के काम आ सकती है। हमारे बीच कृषि संबंध ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। इससे हम अपने कृषि व्यापार को बढ़ाने के अवसर खोज सकते हैं, जिससे दोनों देशों के किसानों को मदद मिलेगी। एक्सेलेंसी, हमारी सुरक्षा साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों का एक मजबूत स्तंभ बनती जा रही है। पिछले वर्ष हमारे सशस्त्र बलों का सबसे पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्रों में भी हमारे संयुक्त प्रयास बढ़ रहे हैं। यह भी संतोष का विषय है कि कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में दोनों देशों ने एक दूसरे को भरपूर सहयोग दिया है, चाहे दवाइयों की आपूर्ति के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों को सुरक्षित घर लौटाने के लिए। हमारे प्रदेशों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है।
गुजरात और अंदीजों की सफल भागीदारी के मॉडल पर अब हरियाणा और फरगाना के बीच सहयोग की रूपरेखा बन रही है। एक्सलेंसी, आपके नेतृत्व में उज्बेकिस्तान में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं और भारत में भी हम रिफॉर्म्स के मार्ग पर अड़िग हैं। इससे पोस्ट कोविड काल में हमारे बीच आपसी सहयोग की संभावनाएं और बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा में और इस चर्चा से इस प्रयासों को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। एक्सलेंसी, मैं अब आपको आपके ओपनिंग रिमार्क के लिए आमंत्रित करता हूं। I'm touched with your excellency, with the warm welcoming felt with the words of the sincere friendship and respect towards our country. Allow me to underscore that you are a reliable and a close friend, and I do thank you for the initiative about holding our summit, which has once again confirmed the highest level of the Uzbekistan-Indian relationships of strategic partnership. This is a good opportunity to synchronize watches and jointly define the ways of counteracting the consequences of the global pandemics. In Uzbekistan, there is a deep respect we are treating your country with the ancient civilization as well as the unique culture. As you have said right now, as truly our countries do have common and very ancient history. And truly speaking, after our meetings, we have been attempting to advance it in our peoples, sharing linked with the traditional ties of friendship as well as mutual understanding, cultural, historical, as well as the spiritual closeness. Modern India is one of the leading world powers with enormous economic and intellectual potential, and I do highly appreciate the achieved level of the open and constructive dialogue as well as comprehensive support on the part of Indian government of the reforms that have been carried out in Uzbekistan, and you have said right now, just excellency, as well as the support of the reforms that we have been carrying out lately in Uzbekistan. And I do highly value the friendly as well as trustworthy relationships, Mr. Modi, and I do recall your visits to Uzbekistan as well as the hospitality as well as productive meetings in Delhi and Gujarat. Also, I'd like to sincerely thank you for your support in the fight against pandemics. As you have truly friend, you have supported us during this very difficult period. Today, with the confidence, I can say that during the short period of time, we have been able to fill the bilateral relationships with quality, new and practical substance. And this is a positive process despite the very, very difficult hardships we have been dynamically developing. Recently, we have held in a productive manner the meetings of the Joint Coordination Committee, as well as Intergovernmental Commission, as well as political consultations. Also, we have successfully held the second meeting of the Central Asia Dialogue, Central Asia-India Dialogue, that you have spoken right now, Mr. Modi. Also, we have been closely cooperating in the area of the fighting the common threats and challenges and standing up for the soonest peaceful settlement in Afghanistan. As I have already told you, Mr. Modi, that the mutual trade has been on the rise, and this indicator, according to our statistics since early year, has risen by 7% for the past of a year. Lately, the enterprises have gone three times. And right now, the important projects and programs in this sphere, investments, innovations, healthcare, education, and other priority directions.
Mr. Modi, I do hope that next year, as will the epidemiological situation will be improving, your official visit was to Uzbekistan will surely take place, and I'm confident that it will become a historical event in development of the friendly relationships between our countries. In this regard, today's summit we are considering as a landmark event as a preparation to our meetings, and I do stand ready to closely consider all the issues on our agenda. Thank you very much for your attention, Mr. Modi.